यहाँ पर पहले अब बात करते हैं जोधपुर की। प्रदेश में पहले चरण का जो मतदान है वो हालांकि जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर वोटिंग की है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत भी उनके साथ रहे, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने ये वोट डाला। महामंदिर के जैन स्कूल में यहाँ पर ये वोट डाला गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके परिवार के सभी सदस्य वोट डालने वहां पर पहुंचे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा परिवार इस वक्त जो है वो मौजूद है। तो चलिए इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर संवाददाता दयाल हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाल दिया है, पूरा परिवार भी उनके साथ मौजूद था, क्या कुछ रिएक्शन सामने नजर आया? देखिए, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने आज अपना वोट जोधपुर के महामंदिर स्थित जैन स्कूल में डाला, साथ ही उसके पूरे परिवार के सदस्य साथ में थे, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता, पुत्र वैभव और उनकी पत्नी हिमांशु और पुत्री भी साथ में थी। उन्होंने वोट किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए वोट किया है और सबको वोट करना चाहिए। जिस तरह का माहौल देश में है वो राष्ट्र स्तर में सभी वोट करें, ये कहते हुए जोधपुर से मुख्यमंत्री आज निकल चुके हैं आगे के लिए। बिल्कुल, और वैभव गहलोत का कोई रिएक्शन सामने आया? निजी तौर पर वैभव गहलोत भी आज चुनाव प्रचार के बाद अपना वोट कास्ट करने के बाद, लंबे चुनाव प्रचार के थकान के बाद आज मीडिया से मिले थे और मीडिया से कहा था कि चुनाव प्रचार अच्छा रहा है और निश्चित तौर पे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दयाल। इस वक्त तो हमारे संवाददाता जोधपुर से दयाल ये ताज़ा अपडेट दे रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पूरे परिवार सहित अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने यहाँ पर जनता से भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।